गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। अब हम शाम का रूटीन शुरू करते हैं। शाम के बज रहे 5 और सबसे पहले हम ओपन करेंगे दरबार को, अपना मंदिर पहले हम खोलेंगे। ओके, फिर मैं रसोई साफ करूँगी, फिर रसोई साफ करने के बाद हम करेंगे पूजा, उसके बाद खाना बनाएंगे। तो सारा रूटीन आज शाम का शुरू करते हैं। सुबह का रूटीन अलग होता है, शाम का रूटीन अलग होता है और दोपहर का रूटीन अलग होता है। तो हमारे मंदिर दिख रहा है आपको सामने, तो हम चलते हैं और फिर मंदिर ओपन करते हैं, उससे भोग बाबा जी से भाग लेते हैं, बाबा जी से परमिशन ले लेते हैं भोग निकालने की, फिर उसको पहले खाएंगे, फिर हम काम करेंगे। ओके, चलते हैं। यहाँ से मंदिर हम ओपन करेंगे और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये हमारे गुरुजी और ये है हमारे गुरुजी और गुरु माता, मतलब मंदिर वाले, मतलब ये हमसे दूर हैं, ब्यास में रहते हैं और ये हमारे पास रहते हैं मंदिर में, माला बालाजी दरबार में। तो चलते हैं दरबार खोलते हैं। तो ये है हमारा आज का भोग। इसमें मैं क्या खाना चाहूँगी, इसमें मैं खाना चाहूँगी मैंगो। तो दरबार हमारा ओपन हो गया और मैंने ले लिया है मैंगो, बाकी का बाकी सब जिसको जो अच्छा लगेगा क्योंकि वो खा लेगा, मैं मैंगो खाती हूँ, फिर तो उसके बाद हम काम पे लगेंगे। ओके, कर लेते हैं। बंसू सो रहा है मेरा बेटा, उसके उठने से पहले मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि वो अभी सोया है 4 बजे, तो वो लगभग उठेगा 6:30 बजे तक उठ जाएगा। आज हमने दोपहर के खाने में बनाए थे छोले, काले छोले, तो ये थोड़े से बच गए हैं, इनको हम रख देते हैं दूसरे बर्तन में करके और ये बर्तन साफ़ कर लेते हैं, सारे बर्तन साफ। तो रसोई बिल्कुल साफ हो गई है, चम 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 चमक रही है। और अब बनाएंगे बाबा जी के लिए भोग। तो भोग के लिए ये सूजी है। फाइनली अब रसोई साफ हो गई है और अब हमने कढ़ाई रख दी चूल्हे पे, अब हम बनाएंगे भोग दरबार के लिए, राम दरबार के लिए, और फिर पूजा करेंगे। देखिए रसोई बिल्कुल अच्छे साफ हो गई, वो हमने भिंडी रख दी है, ये भिंडी रख दी है धो के, ये सूख जाएंगी ना, उसके बाद कट कर लेंगे, फिर सब्जी बन जाएगी इनकी, फिर हम जाएंगे मंदिर। वंशु देख रहे हैं TV, सोकर उठ गए हैं, उनका टाइम हो गया है और बज गए हैं 6:30। वंशु देख रहे हैं कार्टून और अब हम चलते हैं रसोई की तरफ, बनाएंगे बाबा जी के लिए भोग। हलवा ये देखिए, अब भोग लगाते हैं बाबा जी को। ये हमारा राम दरबार, बाबा जी पढ़ रहे हैं रामायण, बाँच रहे हैं। बचाओ वंशु को बचाओ, आया इसका नाम रखा है हमने सिम्मा, सिम्बा, कुछ नहीं कहेगा बेटा, सिम्बा लो, आया। बिल्कुल क्लियर मौसम हो रहा है, बिल्कुल बाबा जी लहरा रहे हैं, बट पहाड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं ना अभी। वंशु को भी बहुत मजा आ रहा है। सिम्बा
पंजू को कटेगी। थोड़ी सी देर में दिन मुंद जाएगा, रात हो जाएगी। वाह, ठंड ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि नैनीताल पास में है ना, तो नैनीताल से ठंड ठंडी हवा आ रही है। तो हस्बैंड जी आ गए ठेले से, ओ खा रहे खाना। शाम के कितने बज रहे हैं जी? शाम के बज रहे हैं 7:30। हाँ, नो रिस्पॉन्स। नाइट में हमारी दुकान ऐसी दिखती है, ठीक है। और दिखाती हूँ आपको अपनी दुकान। अभी खाना खा रहे हैं, ठेले से आए हैं ना, सुबह के दोपहर के गए हुए 12 बजे के, और अब आए हैं तो अब भूख लग जाती है, फिर भी बहुत बर्दाश्त करते हैं, आगे घर ही खाना खाते हैं ना, लहसुन प्याज। तो चलते बाहर, बाहर का बैकग्राउंड देखते हैं ज़रा, बाहर कुछ ऐसा दिख रहा है। दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है, और हमारी दुकान दूर दूर तक अकेली है। ये रोड चल रही है, यहाँ से हम जा सकते हैं नैनीताल घूमने के लिए, पर हम तो अभी गए नहीं हैं नैनीताल का, मतलब रास्ता जाने का रास्ता सिर्फ 2 घंटे का है, हम फिर भी नहीं गए घूमने। दुकान का नाम है फूड प्लाजा। ये देखिए मीनू लगा है यहाँ पर। अब चलते हैं अंदर हस्बैंड जी के पास, वो खाना खा रहे ना अकेले, तो गुस्सा हो जाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।